प्यारे साथियों, वेलकम है आपका अच्छा साथी चैनल में। मीज़ान में अगर एक जानिब हम तमाम ऐश व आराम, सुख और खुशियां रख देंगे और एक जानिब अपनी तंदुरुस्ती रखेंगे, तो याद रखिए कि तंदुरुस्ती या आरोग्य का पड़ला ही भारी दिखाई देगा। क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में तंदुरुस्ती है तो इन तमाम चीज़ों की कीमत है, वरना ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बेकार हैं। हम इन ऐश व आराम, सुख और खुशियों का, पैसों का क्या करेंगे अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं है। और साथियों, तंदुरुस्ती कायम रखने के लिए ज़िंदगी में कुछ उसूल बनाने होते हैं और उन उसूलों को अमल में लाना भी होता है। इन उसूलों पर चलने के लिए हमें कोई पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, सिर्फ अपनी मसरूफियात के वक्त में से कुछ वक्त निकालना होता है। अपने आप के लिए एक प्लानिंग करनी होती है कि सुबह सवेरे नींद से बेदार होने के बाद हम इबादत करते हैं, उसके बाद मैदान में जाकर कुछ वक्त चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, वर्जिश करते हैं, खुली हवा में ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट बैठ ही सकते हैं, ताकि कुदरत के पुरसकून माहौल में अपने आप को भी रिलैक्स कर सकें। दिन भर के दूसरे कामों को अंजाम देने में हम कितनी चुस्ती फुर्ती महसूस करते हैं, इसका तजुर्बा करके देख लीजिए। इस तरह यही रूटीन हमेशा बना लें तो शायद बीमार होने की नौबत आए ही नहीं, या आए भी तो जल्द उससे निपट सकते हैं। ज़िंदगी में चाहे कैसी भी परेशानी आ जाए, बड़ी से बड़ी, लेकिन उस परेशानी का पॉजिटिव पहलू तलाश कीजिए। अगर बुरा होगा तो कितना होगा और उसमें से अच्छा कितना होने वाला है। इंसान का दिमाग जब पुरसुकून रहता है तो उसका बहुत अच्छा असर जिस्म पर भी पड़ता है और तंदुरुस्ती बरकरार रहती है। वरना दिमाग हर वक्त वही सोचता रहेगा कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, वो तकलीफ़ हो रही है, और तकलीफ़ों की एक जंजीर ही बनती चली जाएगी। इसलिए परेशानियों का हल इत्मीनान से तलाश कीजिए और अपने दिमाग पर उसका ज़्यादा लोड मत लीजिए। अगर दिमाग परेशान तो तंदुरुस्ती ख़राब होना तय है। मेडिकल साइंस ने बारहा ये बातें साबित की हैं कि 5% ही जिस्मानी बीमारियां होती हैं, जबकि 95% तो जहनी या दिमागी बीमारियां होती हैं। हम कुछ ना कुछ सोच में अपने आप को मुब्तला रखते हैं और फिर वही सोच दीमक की तरह हमारे जिस्म को खोखला करने लगती है। इसलिए गलत और नेगेटिव सोच से छुटकारा पा लीजिए तो तंदुरुस्ती हमेशा कायम रहेगी। एक मरतबा एक टीचर ने क्लासरूम में बच्चों को सफ़ेद कागज़ दिखलाया और पूछा, आपने क्या देखा? उस कागज़ पर एक छोटा काला स्पॉट बना हुआ था। बच्चों की नज़र फौरन उस काले धब्बे पर ही गई। उन्हें इतना बड़ा सफ़ेद कागज़ नहीं नज़र आया, बल्कि वो मामूली सा काला धब्बा बराबर नज़र आ गया। इसलिए कहते हैं कि बुरी बातों की जानिब नज़र बहुत जल्दी जाती है। अपनी नाउम्मीदियों को मात देना सीखिए। जब आप नाउम्मीद होना छोड़ देते हैं तो अपनी ज़हनी तंदुरुस्ती को बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं। जब बोर्ड के रिज़ल्ट लगते हैं तो हम अखबारों में पढ़ते हैं कि फला स्टूडेंट ने नाकामी का नतीजा सुनते ही आत्महत्या कर ली। नाकामयाब तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सब थोड़े ही मौत को गले लगा लेते हैं, बल्कि वो नाकामी से सबक हासिल करके अपनी गलतियों में सुधार लाते हैं और आइंदा साल बड़े अच्छे मार्क्स लेकर कामयाब हो जाते हैं। ज़िंदगी की हर नाकामी से कामयाबी की जानिब कदम बढ़ाना सीखिए, वरना आपकी गलत सोच आपको बीमार कर देगी और ये ज़हनी बीमारी इंसान को ना जीने देती है ना मरने देती है। मिर्ज़ा गालिब ने कहा है, तंदुरुस्ती अगर न हो गालिब तंग दस्ती अगर न हो गालिब तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। लेकिन साथियों, खुश रहने वाले तो तंग दस्ती और गरीबी में भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर और उम्दा बनाने की कोशिश करते हैं और अपने हौसलों के साथ जीना सीख लेते हैं। फिर देर की इस बात की, खुद को तंदुरुस्त रखिए और खुशियों के साथ जीना सीख लीजिए।
मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।